देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं आज पोई साग है और इसी का आज सब्जी बनाऊंगी मैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके से पोई साग को तोड़ लेना है और डंठल अगर मुलायम है तो आप डंठल को भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप डंठल को नहीं डालिएगा क्योंकि मोटी हो जाने के बाद ना नहीं वो पकती है। इस तरीके से देख सकते हैं इसको तोड़ लेना है सारे साग को, पोई साग को। आज मैं पोई साग का सब्जी बनाने जा रही हूँ, देखिए मेरे घर में कैसे बनता है। उस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा बना करके, और इस तरीके से तोड़ लेना है। देखते हैं पूरी टूट गई है, तोड़ ली हूँ मैं। अब इसको थोड़ी सी मैं दो भाग में कट कर लेती हूँ। अभी गर्मी का सीजन है और ये पोई साग मिलती है, गर्मी बरसात किसी भी टाइम में मिलती है। आप इसको इजी से बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सब्जी, क्योंकि इस तरीके के सब्जी खाना बहुत ही फायदेमंद है और खाना भी चाहिए। इस तरीके से देख सकते हैं मैं यहाँ कट कर दी। देख सकते हैं डंठल को भी थोड़ी थोड़ी कट कर ली हूँ, क्योंकि डंठल मेरी नाजुक है इसलिए मैं इसको भी कट करके आलू साथ डाल दूंगी, क्योंकि आलू भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी। केवल पोई साग ही नहीं है, आलू भी है, क्योंकि आलू डालने के बाद ही सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं आलू भी कट कर ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहे आलू को किसी भी तरीके से काट सकते हैं। इस तरीके से आलू को मैं कट कर ली हूँ और ये पोई साग का डंठल को भी मैं कट कर ली हूँ, क्योंकि डंठल मेरी नाजुक थी इसलिए मैं कट कर ली। और दोनों को मिला लेती हूँ इसमें, और धोने के बाद अब चलते हैं कढ़ाई की ओर। मंगरेला और मेथी को मैं डाल रही हूँ। तड़का में और थोड़ी सी हींग, एक तेजपत्ता, एक या आधी कटी हुई प्याज, आज मैं सिंपल तरीके से सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि नो पहले भूंज के निकालना और नो पहले कुछ करना है, सब एक ही साथ को बनाना है। ज़्यादा कुछ भी लफड़ा नहीं करने का। ये देख सकते हैं ज़्यादा नहीं, हल्की सी लाल हुई प्याज। अब मैं आलू और पोई साग के जो डंठल है उसको पहले भून लूंगी। आप चाहे तो आप इसको पहले आलू और डंठल को अच्छी तरीके से भून सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से भी भून सकते हैं, क्योंकि इजी तरीका यही है। भून के मैं पहले भी निकाल सकती थी उसके बाद मसाले को भूनती, पर मैं आज एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की हूँ। इस तरीके से भी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसको थोड़ी ढक ढक करके भूनना है, इस तरीके से ढक देना है, इस तरीके से
धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहना ताकि आलू और मेरे जो डंठल है वो बना जाए अच्छी तरीके से। बीच बीच में इस तरीके से भून लेना है। देखिए कुछ हद तक मेरी सब्जी जो है भून आ गई है। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी। नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, क्योंकि जितनी सब्जी है उतने ही आप नमक डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं डाल सकते, तीखी हो जाएगी। मसाला है, मसाले में मैं यहाँ पर एक गांठ लहसुन लिए हूँ, ये काली मिर्च है और ये हरी लाल मिर्च है, और ये सरसों है और ये अदरक है, और ये सरसों है, अदरक है और धनिया है। यही मसाला से मैं सब्जी बना रही हूँ। देख सकते हैं इतना ही मसाला डालना है। आप मिक्सी में पीस सकते हैं, सिलवट में पीस सकते हैं, और उससे भी अगर नहीं है तो आप मार्केट में मिलती है पिसी हुई सारे मसाले, वो उसको आप मंगवा के रख सकते हैं, और सूखी मसाला भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पीस के ही डालेंगे तभी अच्छा लगेगी, ऐसा बात नहीं है। जैसा आपको सुविधा हो वैसा डाल दें आप। देख सकते हैं वही मसाला है जो मैं आपको दिखाई थी, वो मैं डाल देती हूँ 2-3 चम्मच। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टमाटर है मेरी पिसी हुई, या तो आप कट करके भी डाल सकते हैं और आप ऐसे भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पीस के भी डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं मेरी सब्जी भुना गई है। अब मैं कोई साग को डाल देती हूँ। अभी तो डंठल और आलू डाल करके भूनी थी, क्योंकि डंठल भी थोड़ी सी मेरी थोड़ी मिलाए, इसलिए मैं यहाँ पर डंठल को भी डाल दी थी। अगर आपको मिले तो जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से सब्जी। कोई साग अगर मिलती है आपको तो आप बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं, वैसे तो पानी थोड़ेगी पर एक कटोरी पानी डाल देती हूँ, और ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि मैं तरी इसमें नहीं रखूँगी। बस थोड़ी सी लटपटा टाइप का रखूँगी थोड़ी देर के लिए, और मैं ढक देती हूँ और मेरी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं सब्जी बनकर मेरी तैयार हो गई है। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देते हैं। इस तरीके से ज़्यादा तरी वाला सब्जी नहीं बनाना है, हल्की सी सूखी हुई होनी चाहिए। ये देख सकते हैं तो अच्छी लगती है। अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।